अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी खुशी खान। तो आज की वीडियो में मैं आपको तेल बनाना सिखाऊंगी जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ हेयर ग्रोथ के लिए, और इससे आपकी हेयर ग्रोथ काफ़ी बढ़ती है, बाल गिरना बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें 3 से 4 अदद लहसुन चाहिए, आप इसको मोटा मोटा चॉप कर लें, 8 से 10 अदद लौंग चाहिए, और 12 से 15 अदद ही हमें काली मिर्च चाहिए, तेज़पत्ता 3 से 4 अदद चाहिए, और करी पत्ता 8 से 10 अदद चाहिए। उसको आप ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रख दें, और इसके बाद जो है आप एक पैन ले लें और 1 कप ऑलिव ऑयल ऐड करें। ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद जो है आप इसमें जो लहसुन चॉप किया हुआ था वो आप इसमें ऐड करें, और लहसुन थोड़ा सा सौते कर लें इसमें, जब लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए। तो उसके बाद जो है आप इसमें तेज़पत्ता, करी पत्ता, लौंग और काली मिर्च ऐड करें, और इसको बाद आपने इसको जलाना है इन सब चीज़ों को इसी तेल के अंदर। और इन सब चीज़ों को जलाने के बाद जब आप देखेंगे कि ये तेल बिल्कुल और ये सब चीज़ें बिल्कुल ब्लैक हो गई, उसके बाद आप इसमें 2 चम्मच मेथी दाना ऐड करें। मेथी दाना हेयर ग्रो के लिए बहुत अच्छा होता है। 2 चम्मच आप इसमें मेथी दाना ऐड करें। 1 कप आप इसमें सरसों का तेल ऐड करें। सरसों का तेल ऐड करने के बाद आप इसमें 2 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल ऐड करें। कैस्टर ऑयल आपको इजीली मिल जाएगा, मेडिकल शॉप से भी या किसी पंसार की दुकान से भी मिल जाएगा। और उसके बाद आपने 2 टेबल स्पून ही आपने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है, और उसके बाद आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकने दें, और फिर फ्लेम ऑफ करके 8 से 10 घंटे आपने इसको इसी पैन में ठंडा होने दें। उसके बाद आप इसको छान के किसी बॉटल में डाल लें। शैम्पू से 2-3 घंटे पहले आप इसको लगा के हेयर वॉश करें, या वीक में आप इसको ट्वाइसली आप यूज़ करें, तो आपके हेयर्स की आप देखेंगे कि आपके हेयर गिरना बंद हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाएगी, और हेयर काफ़ी सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।